एक मिनट कई सालों से मुख्तलिफ मैदानों में इंसानियत की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह काम करते आ रही है। दवाखाने पूरे शहर में फलाही दवाखाने तकरीबन 7 है जिसकी फ़ीस 10 रुपये है और 2 दांतों के दवाखाने हैं जिसकी फ़ीस 20 रुपये है। अल्हम्दुलिल्लाह दांत का दर्द चूँकि बहुत तकलीफ दे होता है और गरीब के लिए उसका इलाज बहुत महंगा होता है, इसलिए सफ़ा बैतुल माल ने शहर के 2 कोनों में अबरार कॉलोनी और रोशन गेट के पास 2 दवाखाने अल्हम्दुलिल्लाह जारी है और बहुत जल्द इंशाल्लाह एक मुसाफिर खाने का प्लान है जिसके रूह रवां हमारे ख्वाजा शरफुद्दीन साहब यहाँ बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक ऐसे दवाखाने से करीब जहाँ बाहर से पूरे मराठवाड़े से पेशेंट आते हैं और उनको रहने के लिए बहुत दुश्वारी होती, ऐसे मकाम पर एक मुसाफिर खाने की तामीर का इंशाल्लाह बहुत जल्द आगाज़ होने वाला है। हमारा जागीरदार कॉलोनी में एक वाटर प्लांट है जिसमें 2000 लीटर पानी फिल्टर होता है और मुफ्त में वो अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम किया जाता है शहर में। और इसी तरह रोज़गार पर खड़े करने का एक दूसरा प्लान हमारा ख़वातीन को तलाकशुदा बेवा मजबूर ख़वातीन के लिए 6 टेलरिंग सेंटर शहर के मुख्तलिफ गरीब इलाकों में अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। इसी तरह माहाना राशन और मजबूर और परेशान हाल लोगों के लिए गाहे बाहे सुबह और शाम फलाही कामों का एक सिलसिला जारी है। उसी सिलसिले की एक कड़ी हमारा ये रोज़गार स्कीम के तहत 100 लोगों को गाड़ियां और उसके साथ सामान तजारत देने का ये प्रोग्राम है जिसकी इस नशिस में मेहमान खसूसी के तौर पर हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साहब मगनी और मौलाना अब्दुल कदीर साहब मगनी और हमारे अलहाज अब्दुल जब्बार साहब, ख्वाजा शरफुद्दीन साहब और याकूब साहब और दीगर मेहमान खसूसी हमारे मौजूद थे जो रास्ते में हैं। हैदराबाद से हमारे साबिर साहब जो रहबर फाउंडेशन के ज़िम्मेदार हैं वो भी तशरीफ लाए, बहुत जल्द अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचने वाले हैं। मैं इस मौके पर हज़रत अब्दुल रशीद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि मुख्तसरन कितना बड़ा हम समझते हैं कि तारीख औरंगाबाद है, बहुत तारीखी काम हो रहा है, इसको हम इस्लाम का जुज कहते हैं और आप आलम दीन हैं, क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दरअसल इस वक्त दुनिया में इबादत जो इंसान करता है वो अपनी ज़ात के लिए करता है, लेकिन इबादत की बहुत सारी किस्में हैं, बहुत सारे उसके गोशे हैं, हर तरीके से इबादत की जा सकती है। उस इबादत में किसी इंसान के काम आना और उनके साथ में हमदर्दी करना और उनके साथ उनके माश के बारे में फ़िक्र करना, ये भी एक इबादत है। हमदर्दी, खैरख्वाही, इमदाद, ताउन और एक दूसरे के काम आना, दर हकीकत इसी से माशरा कायम है और भाईचारगी और आपसी जो मेल मिलाप है वो इसी के बलबूते पे जो है फ़रोग पाता है और वो जो है वसी होता है। इस वक्त मौलाना अनीस साहब नदवी ने जो कुछ भी ये इतना पूरा बाजार सा जो लगा है जो हम देख रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि शायद जब से मैं औरंगाबाद में हूँ 1968 से, तब से शायद इतने बड़े पैमाने पर ये इस तरह की एक बड़ी कोशिश जो 100 आदमियों के दरमियान में जो है इस तरह का माश का ज़रिया फराहम करना, ये एक बहुत अजीम तर काम है। अगरचे के उसके पसे पर्दा बहुत सारे हाथ होते हैं जो लोगों को, लेकिन लीड अगर करने वाला कोई शख्स ऐसा हो जो इस सिलसिले में लोगों को उभारे और उनको इस तरफ मुतवज्जे करे कि गरीब और मिस्कीन और ज़रूरतमंदों के कोई काम आए, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करूबियाँ। बहुत बड़ी तादाद फरिश्तों की थी तात के लिए, लेकिन दर्द दिल अल्लाह ने इंसान के पास में पैदा किया है तो इंसान इंसान के काम है। बड़ा सा आसान। और रहबर फाउंडेशन की जानिब से 100 बेरोज़गारों को रोज़गार मुहैया करने का काम किया जा रहा है। इस अवसर पर जैसा हमारे मुफ्ती अनीस साहब जो है औरंगाबाद के सफा बैतुल माल के जिम्मेदार है, ये जो है
बेहतरीन अंदाज में जो है गोर गरीबों का जो है तो सर्वे करके जो है तो ये आज जो है तो गाड़ियों की तकसीम का प्रोग्राम इन्होंने लिया है। इसमें जो है जो बेरोज़गार लोग हैं इनको रोज़गार मिले, ये सबसे बड़ी सफलता है। आज बेरोज़गारी जो है तो बहुत बढ़ चुकी है, बेरोज़गारी दूर होंगी तो हम जो है तो सुकून और इत्मीनान से रहेंगे, और बेरोज़गारी अगर दूर नहीं होंगी तो बेसुकूनी पैदा होंगी। इसके लिए जो है तो 5000 का जो टारगेट पूरे देश के अंदर सफ़ा बैतुल माल और रहबर फाउंडेशन की तरफ से किया जा रहा है, इसमें जो है तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, सफ़ा बैतुल माल को भी और रहबर फाउंडेशन को भी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो लोग बेरोज़गार थे अब इनको रोज़गार मिला है, ये भी जो है दूसरों को देने वाले बन जाए। अगर ये देने वाले बन गए तो इंशाल्लाह जो है 100 लोग जो है और 100 लोगों को खड़ा करने का काम कर सकते हैं। इसके लिए मैं उनसे गुजारिश करूँगा जिन्होंने आज गाड़ी लिए और उस पर माल भी जो है तो लदा हुआ है जो वो बेचने का काम करते हैं, तो ऐसे लोग जो है तो अपने बाजू के लोग जो गोर गरीब है इनको भी खड़ा करने का काम करें, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी है, एक दूसरे की जिम्मेदारी है कि वो हम एक दूसरे की जो है तो मदद करें। यहाँ जो है अभी 100 लोगों को जो है तो गाड़ियाँ तकसीम की जाएंगी, इसके लिए जो है मैं उनको और एक बार मुबारकबाद देता हूँ अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने पक्ष की तरफ से, कि वो जो है ऐसा ही काम को जो है तो जारी रखें। मौलाना साहब आप? मैं सफा बैतुल माल से हाफिज़ मुबशीर हैदराबाद से हूँ। आज औरंगाबाद में ये 100 बंडियाँ तकसीम की जा रही है, इनका सर्वे किया गया, इसके साथ में जो है ना इनके पिछले 1-1.5 महीने से ये लोग का सर्वे किया, फिर इनको मुस्तहिक को तलाश कर इन तक ये सामान के साथ इनको बंडी दी जा रही है। इसी तरह के प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हमने 30-35 प्रोग्राम कर चुके हैं, और कर्नाटक के उसमें गुलबर्गा में किए, हुमनाबाद में किए और बिदर में किए, तो इसी तरह से हैदराबाद में भी किए, वरंगल में है, जहीराबाद में हुआ, आदिलाबाद में हुआ, तो इसी तरह से और भी आगे करने का हमारा इरादा है। तो हम यही कहते हैं कि जो मुस्तहिक है वो आगे बढ़े और आगे बढ़ के अपना नाम लिखाए और फिर दूसरों को देने वाले बने। हम सब के आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल, ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। और एक मौके पर आपने फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुल अब्द यत्तखिज़ुल मेहनत व यस्तग़नी बिहा अनिन नास, अल्लाह ऐसे बंदे से प्यार करता है जो कोई पेशा इख्तियार करे और लोगों से बेनियाज हो जाए। पूरे मुल्क में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए हम सिर्फ अगर बोलते रहेंगे तो बेरोज़गारी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इसी मकसद के तहत सफ़ा बैतुल माल और रहबर फाउंडेशन के ज़रिए से रोज़गार को खड़े करने और बेरोज़गारी से लोगों को बचाने के लिए 100 ऐसे मुस्तहिक लोग जो बेरोज़गार थे या रोज़गार से जुड़े हुए थे लेकिन उनके पास इतना सरमाया नहीं था कि वो बेहतर अंदाज में कारोबार कर सके, इसलिए उनको गाड़ी और उस पर जो वो बेचते हैं उनका सामान तिजारत अल्हम्दुलिल्लाह दिया जा रहा है। कौन सा उसका आपका सर्वे का तरीका? इसमें सर्वे करने के लिए हम पहले जो लोग वो कारोबार करते हैं और बहुत टूटे फूटे अंदाज में, तो खामोशी से पहले मार्केट में उनका मुताला करते हैं। बहुत बुरी गाड़ी या गाड़ी नहीं, किराए की गाड़ी, मकान किराए का और थोड़े से सामान पर वो कारोबार कर रहे हैं, तो उनके घर जाकर घर देखते हैं, घर किराए का है और बहुत ज़्यादा बच्चों की तादाद है और बहुत मुफलिसी के साथ वो काम कर रहे हैं, तो उनका 3 तरह का सर्वे होता, क्रॉस चेकिंग होती और फिर उनका सैटेलाइट के ज़रिए से उनके घर का लोकेशन लिया जाता, अड़ोस पड़ोस से मालूम करते और 3 महीने तक उनका सर्वे किया जाता है कि जो उन्होंने बातें बताई कि वो सही है या गलत है, उसके बाद उनको मंजूरी दी जाती है। ये आपका मतलब लागत कितनी उतार के लोगों को एहसास हो, पता चले कि एक गाड़ी के साथ कितनी कीमत है? अंदाजा 15,000 रुपये के फी आदमी को 15,000 दे रहे हैं। नहीं, मुस्तहिक की तादाद जो है ज़्यादा है, इसमें भी आपने 100 लोगों को चुना है, क्या अगला कदम इसके लिए बढ़ने के लिए हो सकता है? पूरे मुल्क में तकरीबन अभी टारगेट है पहले कदम के तौर पर 5,000 बेरोजगारों को रोज़गार से लगाने, वैसे रोज़गार से लगाने की हमारी और भी स्कीम है लेकिन बैलगाड़ी ये मंडी बंडी देने का और हाथ गाड़ी देने का ये प्रोग्राम 5,000 लोगों को है। मतलब हम देखते हैं।